हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स्थ क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 के सम करेंगे। इस प्रश्नावली में अधिकांश सवाल बहुत छोटे छोटे हैं। आइए सबसे पहला सवाल करते हैं, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है, यानी दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो सम आएगा या विषम। यदि वे विषम संख्याएँ हों, हम पहले एक आध उदाहरण करके देखेंगे, उसके बाद उसका जनरलाइजेशन सामान्यीकरण करेंगे कि स्टेटमेंट ठीक है या गलत। तो पहला सवाल, दो अगर विषम संख्याएं हों, हमने विषम संख्याएं ले ली 1, 3 और 1, 5, उनका जोड़ क्या आएगा देखेंगे, तो 3 और 5 का जोड़ 8, क्या आया सम संख्या। अब दूसरी एक और संख्या का उदाहरण लेकर के करें, 1 ले ली हमने 7 विषम संख्या, 1 ले ली 9, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या होगा 7 और 9 16, ये भी एक सम संख्या। यानी दो विषम संख्याएं हों तो उनको जब भी जोड़ेंगे तो उनका योग हमेशा क्या आएगा, एक सम संख्या। तो हमारी स्टेटमेंट थी, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम संख्या होता है या विषम। तो इसमें क्या आएगा, पहला ए भाग, विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योग हमेशा सम संख्या आएगा, तो ठीक है। तो ये हुआ हमारा ए पार्ट का उत्तर कि दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योग सम संख्या होता है। अब इसी का बी पार्ट करके देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, यदि इन्हीं संख्याओं को सम संख्याओं को जोड़ा जाए तो उसके बारे में क्या निकलेगा देखिएगा। दो उदाहरण ले लेते हैं हम, 1 ले ली हमने सम संख्या 4, 1 ले ली 6, दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा 10, ये भी सम ये भी सम ये भी सम। एक उदाहरण और ले लेते हैं, 1 संख्या ले ली हमने 8, 1 ले ली 12, दोनों सम। यदि सम संख्याओं को भी जोड़ा जाएगा तो इनका योग क्या आएगा 20, 20 भी क्या है सम। यानी सम संख्याओं को भी अगर जोड़ा जाए, दो सम संख्याओं को जोड़ा जाए तो भी उनका योग हमेशा क्या आता है, सम संख्या। तो ये दूसरी स्टेटमेंट का उत्तर क्या आएगा, इसका भी क्या है, यदि दोनों सम संख्याएं हो तो उनका योग हमेशा सम संख्या आएगा। आइए अब करते हैं दूसरा प्रश्न, इसमें देखिए ये सत्य और असत्य से संबंधित है और इसमें 10 स्टेटमेंट दे रखी हैं। हम जिस प्रकार की संख्याओं के बारे में प्रश्नकर्ता पूछता है उसी प्रकार का उदाहरण लेकर के उस कथन की सत्यता को जांचेंगे। देखिएगा पहली स्टेटमेंट है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। ए भाग, दूसरे प्रश्न का ए भाग, 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। हम उदाहरण से सत्यता जांचेंगे। 3 विषम संख्याएं ले लेते हैं, 3, 5, 7 लगातार ले लें या कोई भी ले लें और उनको जोड़ करके देखें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इनका योग 15 है। 3 विषम संख्याएं ली हमने, ये भी विषम ये भी विषम ये भी विषम, और इसका योग क्या आया विषम। एक उदाहरण और ले लें और उसके बाद फिर उसको हम सामान्यीकरण कर देंगे, जनरलाइजेशन कर देंगे। 1 ले लिया हमने 9, 1 ले लिया हमने 5, 1 ले लिया हमने 11, इन तीनों को जोड़िएगा। देखिएगा तीनों क्या हैं, विषम संख्याएं, 3 विषम संख्याओं का जोड़ और इनका जोड़ कितना आ जाएगा 25, 25 क्या है ये भी विषम। तो हमारी स्टेटमेंट क्या थी, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम का जोड़ हमारा क्या आया था विषम, इसका मतलब क्या हुआ, ए स्टेटमेंट हमारी असत्य है क्योंकि तीनों का जोड़ तो विषम आता है। अब आइए बी, बी को जांचते हैं, बी को परखते हैं। 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्या का योग सम होता है। 2 विषम संख्याएं इसी प्रकार से ले लेते हैं, पहली विषम संख्या 3, दूसरी विषम संख्या 5, 2 हमने विषम ले ली और 1 सम संख्या ले ली, 1 सम संख्या क्या ले ली हमने, मान लिया 4 ले ली। अब इनको जोड़ के देखते हैं तो इनका जोड़ कितना आएगा 12, ये क्या है एक सम संख्या।
एक उदाहरण और ले लें इन संख्याओं को परिवर्तन करके। एक 9 ले लिया हमने, एक ले लिया 7, और एक सम संख्या ले लेते हैं, सम संख्या ले ली हमने 10। कुछ भी उदाहरण ले करके आप जांच सकते हैं। और इनका जोड़ देखिएगा कितना आया, इनका आया 26। ये विषम, ये विषम और ये सम, तो 26। यानी दो विषम संख्याएं और एक सम संख्या का जोड़ क्या आता है, दोनों बार सम संख्या आता है। और हमारी स्टेटमेंट क्या थी, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य। दूसरा कथन सत्य। आइए तीसरे की सत्यता जांचें। सी, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तीन विषम संख्याएं कोई भी ले लेते हैं, 3, 5, 7, और इनकी लगातार गुणा करते हैं। तीन विषम संख्याएं 5 × 3 × 7, किसी को आगे पीछे कुछ भी ले लें, क्योंकि गुणन में क्रम का फर्क नहीं पड़ता। तो 5 × 3 = 15 और 15 × 7 = 105। तो ये क्या हुआ, विषम संख्या। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम हुआ। और अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, दो उदाहरण के बाद सामान्यीकरण कर देंगे। एक ले लिया हमने 5, एक ले लिया 7, एक ले लिया 9। अब इनकी गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 7 = 35 और 35 × 9 = 315। तो ये विषम, ये विषम और ये भी क्या आया, विषम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कथन हमारा सत्य है। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम होता है। दोनों उदाहरणों में हमारा आया विषम, तो ये हुआ सत्य। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब करते हैं डी पार्ट। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। कोई सम संख्या ले ली हमने, मान लीजिए 6 ले लिया और इसको 2 से भाग दिया, तो क्या आया भागफल इसका, 2 × 6 यानी 3। यदि किसी सम संख्या को, अगर हमने 16 एक सम संख्या है उसको 2 से भाग दिया तो भागफल क्या आया, 2 × 8 = 16। तो ये यहाँ विषम आया था, ये सम, यानी विषम भी हो सकता है और सम भी। स्टेटमेंट क्या थी, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। इसका मतलब डी का कथन हमारा असत्य है, सदैव सम नहीं होगा, यह सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। आइए ई भाग। ई भाग है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 2, 3, 5, लेकिन इसमें 2 तो हमारी सम संख्या है, तो इसका मतलब ये कथन हमारा, ये 2 अभाज्य भी है। अभाज्य संख्याओं के बारे हमने क्या पढ़ा था, कि वो 1 से भाग जाए और स्वयं से जाए, तो 2 हमारा केवल 1 से जा रहा है और 2 से जा रहा है, तो ये एक अभाज्य संख्या है और सम भी है, इसलिए हमारा ई का कथन क्या है, असत्य। आइए अब इसका एफ करते हैं। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। क्या अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होगा, 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 2। 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 5। हमने खुद ही कहा था अभाज्य संख्याएं 1 से और स्वयं से भाग जाती हैं, इसका मतलब उसका गुणनखंड 1 भी और 5 भी, 1 और 2 भी। 17 का गुणनखंड क्या होगा, 1 भी और 17 भी, तो इसका मतलब हमारा ये कथन क्या है, असत्य। अभाज्य संख्याओं के भी गुणनखंड होते हैं। अब इसका जी पार्ट। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं को अगर हम जोड़ के देखेंगे
तो देखिएगा, जैसे दो अभाज्य संख्या है, तीन अभाज्य संख्या, इनको जोड़ के देखेंगे तो क्या आएगा, पांच। ये क्या है, विषम। तीन प्लस पांच, ये भी है अभाज्य, ये भी है अभाज्य, इनको जोड़ के देखेंगे तो क्या आया, पांच और तीन आठ, ये सम। यानी अभाज्य संख्याओं का, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ विषम भी हो सकता है और सम भी हो सकता है। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, जी की स्टेटमेंट क्या थी हमारी, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, यह सदैव सम नहीं होता, अतः यह स्टेटमेंट क्या है, असत्य। इसके आगे लिखेंगे असत्य। एच भाग करते हैं, केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। अभी हमने जिक्र किया था अभाज्य संख्याओं की गणना शुरू करते हैं, दो तीन पाँच सात, यानी इस तरह से इनमें सम संख्याएं, बाकी जितनी भी संख्याएं आती हैं अभाज्य वो सारी विषम हैं, केवल दो ही एक सम संख्या है, अतः यह कथन क्या है, सत्य। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं इसका आई भाग। आई की स्टेटमेंट क्या है, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याओं का देखिएगा, दो क्या है हमारी, अभाज्य संख्या सभी, और ये क्या है, सम। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहीं पर असत्य सिद्ध हो जाती है, ये सम संख्या भी है और अभाज्य भी। तो सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट क्या है, असत्य। जे भाग, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है। इसका भी उदाहरण करके देख लेते हैं, दो गुणा चार, दोनों सम संख्याएं, इनका गुणनफल क्या आया, आठ, सम संख्या। छः गुणा चार, ये भी सम, ये भी सम, इनका गुणनफल क्या आएगा, चौबीस, ये भी सम। यानी कभी भी आप दो सम संख्याओं का गुणनफल करके देखेंगे तो क्या आएगा, ये सारा सम संख्या। तो ये कथन हमारा क्या है, सत्य। ठीक है बच्चों, है ना बिल्कुल इजी। अब करते हैं अगला सवाल, तीसरा सवाल इस प्रश्नावली का, बहुत आसान प्रश्नावली और आपके काम आने वाली, परीक्षा में अंक दिलाने वाली। संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं, 13 और 31, दोनों संख्याओं में दो अंक एक और तीन है। देखो ये एक और तीन से बनी हुई है, बस क्या है, एक इधर चला गया, तीन इधर आ गया, इनका स्थान परिवर्तन होने से इन संख्याओं के अंदर एक प्रतिरूप है, एक सिमिट्री है। इसी प्रकार की सिमिट्री की संख्याएं हमें 100 तक की संख्याओं में ढूंढनी है, ऐसे ही जोड़े जिनमें केवल स्थान परिवर्तन से। तो इसके लिए आपने एक उदाहरण किया था इस प्रश्नावली के पिछले पृष्ठ पर, उसमें आप ढूंढ सकते हैं 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म लिखिए। तो ऐसे युग्म क्या क्या हो सकते हैं, देखिएगा आप उसके अंदर, देखिएगा आपको दिखाई दे, आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिएगा इसके अंदर स्क्रीन में, और ऐसे क्या हो सकते हैं, एक से शुरुआत कर देंगे, ऐसे जोड़े देखिएगा, 13 और 31 का हो गया, उसके बाद 17 का स्थान परिवर्तन कर लेंगे तो क्या होगा, दूसरी संख्या क्या बनेगी, 71। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, हमें दोनों अभाज्य ढूंढनी है। उसके बाद 19 का 91 हो जाएगा, लेकिन 91 भाज्य है, ठीक है। उसके बाद की अभाज्य संख्याएं 23 का 32 है, उसके बाद चलिएगा 29 का 92, ये भी भाज्य है, 31 का हम कर चुके हैं, 37, उसके बाद आया हमारा 37, और 37 का रिवर्स क्या होगा, देखिएगा 73, 37 का रिवर्स 73, यानी अंकों का स्थान बदल गया, और दोनों ही हमारी अभाज्य हैं। एक युग्म हमारा हुआ ये 17 और 71, दूसरा युग्म हुआ हमारा 37, और पहला युग्म 17 और 71, दूसरा 37 और 73। उसके बाद आगे चलेंगे 41 और 14 में 14 भाज्य है, 43 और 34 में 34 भाज्य है, 47 और 74 में 34, 74 में 74 भाज्य, और उसके बाद 53 और 35 में 35 भाज्य हो जाएगी, और 59 और 95,
यानी 59 और 95 में 95, 61 और 16 में 16 हो जाएगी, 67 76 में भी इसी प्रकार से, 71 17 हम कर चुके हैं, 73 37 कर चुके हैं, और उसके बाद हो जाएगा 79 और 97। तीन युग्म हमें खोजने थे, तीनों युग्म, पहला युग्म 13 और 31 जो उदाहरण हमें दिया गया था, बाकी हमने खोजे 17 71 37 73 और 79 और 97, ये हमारे उत्तर हैं। और आइए अब करते हैं इसका चौथा सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। 20 तक की छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। 20 तक की संख्याओं में अभाज्य और भाज्य ये लिखना है हमें, तो एक तरफ अभाज्य लिख देंगे एक तरफ भाज्य लिख देंगे। देखिएगा 20 तक, 20 से ऊपर नहीं जाएंगे, अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। आपने जो अभी गिनती वाली टेबल देखी थी, हमने उदाहरणों में की थी, उसको कर सकते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होंगी, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये हमारा उत्तर। ओके स्टूडेंट्स, हो गए चार सवाल, अब करते हैं इसका पांचवा सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। 1 से 10 तक के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 1 से 10 तक के बीच में सबसे बड़ी, इससे पहले वाले सवाल में इसका उत्तर था क्या हो जाएगी, 7। ओके स्टूडेंट्स, तो पांच सवाल हमने किए, अब खुद भी इन सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे और बाकी सवाल हम करते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स, बाय।